जब फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों रूम पे पड़े पड़े बोर हो गया था क्योंकि सिटी के बाहर तो व्लॉग शूट करने के लिए जा नहीं सकता, तो सोचा पीजी पे पड़ा हो तो यहीं पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का एक व्लॉग शूट करूँ। मतलब कैसे रहता हूँ मैं, मतलब पीजी का कैसा, मतलब क्या क्या फैसिलिटी मिलती है जो हम पैसे पे करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 5000 रुपीज़ मंथली है, तो यहाँ पे मुझे उस 5000 में क्या क्या मिल रहा है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तो मैं आया हूँ टेरेस पे, तो यहाँ से मैं आपको एक बार पुणे का एक व्यू दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं रह रहा हूँ हिंजेवाड़ी, जो कि है पिंपरी चिंचवड़ के अंडर आता है, जहाँ से मेरा ऑफिस फेज 3 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ से मेरे पीजी से पूरा व्यू। मतलब पीजी से जो आजू बाजू का जो एरिया है ये तो हो गया उसका व्यू। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे और दिखाता हूँ आपको रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। सो लेट्स गो। चलिए अंदर चलते हैं। तुम्हें जाते वक्त लाइट बंद करके गए थे ऊपर, तो आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे हम दोनों ही रह रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त जो कि अभी ऑफिस गया है। एक बेड यहाँ पे आपको खुद का एक मतलब इंडिविजुअल बेड मिल जाएगा, मतलब कवर्ड मिल जाएगा, और अपना अपना एक बेड जो कि आपको 5000 में सबको मतलब जो जो मिलेगा मैं आपको सब बताऊँगा। एक आपको टीवी भी मिलेगा देखने के लिए, जो जनरली कोई देखता भी नहीं, बिकॉज आप जो भी आप पीजी पे रहने वाले मोस्टली जॉब करने वाले रहते हैं, तो किसी को टाइम मिलता नहीं इतना टीवी देखने के लिए। और देखा तो आपको तो ये मेरे दोस्त का रूम जो भी अभी लाया ऑफिस, क्योंकि उसको बुलाया ऑफिस में तो वो चला गया ऑफिस, मैं तो फिलहाल रूम से ही काम कर रहा हूँ। और ये जो मैंने अभी तक आपको दिखाया था ये उसी का कुछ रूम के अंदर से। तो ये दोस्त का रूम, यहाँ पे भी एक फ्रेंड है वो भी फिलहाल अपने गाँव चला गया है, और ये उनके दोनों के अपने अपने कबड़। तो चलिए मैं आपको अभी मेरा रूम दिखाता हूँ। तो ये मेरा रूम, तो कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे भी एक फ्रेंड रहता है जो कि मेरे गांव से ही है, तो वो भी चला गया फिलहाल अपने गांव पे। और ये मेरा बेड, तो और ये भी कबर्ड मेरा और मेरे दोस्त का, जब हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडक्शन जो कि मतलब कुछ पर्सनली हमारा हमने खरीद के लाया, मतलब जब भी कभी कुछ खाने का मन करे तो हम पका सकते हैं अगर कुछ खाने का अच्छा नहीं बना होगा तो। यहाँ पे मतलब दो अलग अलग बर्तन दिए, ये एक हमारा मतलब वेस्टर्न बाथरूम, या फिर गीजर में गर्म पानी के लिए, और ये बाथरूम, और इधर नॉर्मल जो कि हम जनरली और बेसिन दिया है। तो दैट्स इट। वाईफाई भी मिलता है जो कि आपको हर पीजी में मिल जाएगा, बिकॉज हम अपना पे कर रहे हैं। तो बस इतना ही था, और मैं आपको एक बार गैलरी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गैलरी है, और यहाँ से मतलब हम थोड़ा आउटसाइड रहते पुणे की, इसलिए थोड़ा मतलब आपको यहाँ पे खेती टाइप दिखेगा, बट बहुत अच्छा है। और 5000 वर्थ है, मतलब ठीक ठाक है 5000 में। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा नीचे जहाँ पे किचन में, जहाँ पे हमारे लिए खाना बनता है। सो लेट्स गो। सो गाइस पीजी के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको पुणे में जॉब लगती है तो आप वहाँ पे या फिर सीधा एड्रेस पे आके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीजी है, अब तक तो हमें 6 महीने हो गए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, नीचे जाके हम देखेंगे किचन जहाँ पे हमारे रोज खाना बनता है। सो दोस्तों ये अपनी गाड़ी यहाँ पे पड़ी रहती है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ठंडे पानी के लिए फिलहाल गर्मी में क्या था बट अभी ज़रूरत नहीं। और ये हमारा एक्वाफील्ड पर यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर मतलब वॉश करते हैं, और यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन जो कि कपड़े धोने के लिए। तो ये किचन, यहाँ पे आई थिंक दोपहर का खाना होगा, दोपहर को राइस बना था आज, और उसके साथ
चटनी की। यहाँ पे ना पूरा हमारा खाना बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो भैया अभी तक आया नहीं, और नॉर्मल हमारा फ्रिज है क्योंकि लाइट गई जो इसलिए बंद है, तो यहाँ पे मेरा खाना बनता है। क्या दिया, क्या ये? सो गाइस, मैं वापस रिटर्न ऊपर आ गया हूँ। तो दोस्तों, आई होप आज का आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा आपके दोस्तों के साथ। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।